भारत को घरेलू सप्लाई की पूर्ति करने के लिए 25 लाख टन दाल आयात करनी पड़ रही है। रबी सीजन में दलहन की बुआई अब तक बीते वर्ष से कमजोर दिखाई दे रही है। दलहन आयात पर निर्भरता घटाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में इसकी झलक साफ दिखाई दे सकती है। बजट में कृषि क्षेत्र में दलहन और तिलहन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष स्कीम लाने की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष तौर पर अलग से फंड तैयार किए जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में दालों के स्टॉक के आंकड़े जारी किए थे। रिपोर्ट के अनुसार बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख टन आयातित तुअर और 50,000 टन आयातित उड़द की खरीद शुरू कर दी थी। भारत सरकार के पास PSSF और PSS के तहत विभिन्न दालों का 43,82,000 टन का बफर स्टॉक है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मौजूदा स्टॉक से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वितरण के लिए जारी मूल्य से 8 रुपये प्रति किलोग्राम के रियायती मूल्य पर चना आवंटित किया जा रहा है। अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु से मिली डिमांड के आधार पर इन राज्यों को 88,600 मीट्रिक टन चना आवंटित कर दिया गया है। अलग अलग स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना शुरू की है। इसके रिजल्ट शानदार देखने को मिले हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार आगामी बजट में दलहन और तिलहन फसलों के लिए अलग तरह की स्कीम ला सकती है। खाद्य तेलों और दालों की आयात निर्भरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार को वर्ष में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी इस पर खर्च करनी पड़ती है। केंद्र सरकार देश में दाल उत्पादकता को बढ़ावा देकर दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम उठा रही है। वहीं तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले आम बजट में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना शुरू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।